हेव जीवन वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल आई श्यम उपाध्याय स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सबकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे से जो है पढ़ाई कर रहे होंगे और मैं भी आप जो है अपने इनसे अपना पूरा एफर्ट डालो मैं भी आपके अपनी तरफ से जितना मैं कर पा रहा हूँ उतना मैं आपके लिए करूँगा ठीक है तो दोनों से मिल के एफ़र्ट करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन जो है और अच्छी होगी और आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट होकर जाओगे इस बार तो अभी तक फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत सारे जो वीडियोस थे उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी देखो किसी भी एग्ज़ाम के लिए सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता कि आप किताब खोल के पढ़ लो उसके साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी प्रिपरेशन को अच्छे से बहुत अच्छा बनाने के लिए तो जैसे कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है आप मान लो कोई बुक लेके पढ़ रहे हो ठीक है और नॉलेज आपको है ठीक है वो बात सही है लेकिन जब तक आप उस जो भी आपने पढ़ा है जब तक आप उस क्वेश्चन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को नहीं आप करोगे ना तो चीज़ें आपको पता नहीं चलेगा आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे सब आता है लेकिन जब आप क्वेश्चन करने एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो पूरा आपका जो है या तो गलत होगा या तो फिर वो माइंड से गायब ही हो जाएगा इसलिए जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा एक एक चीज़ और क्वेश्चन करने से मेन चीज़ आपको एक जैसे अभी होता है कि हम कुछ पढ़ते हैं चीज़ें भूल जाते हैं तो होता यूँ है कि जब क्वेश्चन करते हैं ना तो जब हम वो एक एक जो कॉन्सेप्ट है जो जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो जो पॉइंट्स हैं हमारे दिमाग में उस फीड हो जाते हैं सेव हो जाते हैं तो हमें फिर बाद में चीज़ें ज़्यादा याद नहीं रखनी पड़ती हैं तो एक फ़ायदा तो ये बेनिफिट ये होता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से दूसरी चीज़ मैं आपको बताया कि कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाते हैं और इसके बाद क्वेश्चन करने के अलावा भी और भी चीज़ें जरूरी होती हैं जैसे कि रिविज़न ठीक है रिविज़न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे ये दोनों अपना इसका अपना अलग इम्पोर्टेंस है तो उत, उतना ही जान लो अगर मैं मानता तो हूँ कि हाफ़ जो है इम्पोर्टेंस वो मतलब आप जहाँ से पढ़ रहे हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हाफ जान लो जो कंट्रीब्यूशन है वो उसका है आपका रिवीजन का है क्योंकि जब तक आप पढ़ी हुई चीज़ों का रिवीजन नहीं करोगे तो कोई भी मतलब नहीं निकलेगा कि आप चाहे कितना भी क्वेश्चंस कर लो या फिर पढ़ लो तो कोई मतलब नहीं है इसलिए जो रिविज़न को मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंस होता है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए तो आई होप आप लोग अच्छे से अच्छे से प्रपरेशन अपना कर रहे हो और साथ ही साथ अब जो चीज़ें मैं दो चीज़ें आपको बताएं क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन इसको आप स्टार्ट कर दो आपने आगे चीज़ें पढ़ते रहो पीछे जो चीज़ आप पढ़ चुके हो उसको वीकली में एक दिन एक दिन अपडेट है या संडे वीक में जो भी आपको एक दिन मिलता है जो आप एक डिसाइड खुद से कर लो उस दिन आप जो है वो रिविज़न करो और जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आप रोज थोड़ा थोड़ा करते रहो तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूँगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आज का ये जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का सेशन है इससे मैं आपको श्योर करता हूँ कि आपके एग्जाम में इससे ज़रूर दो से तीन क्वेश्चन जो है आज के लेक्चर से पूछे जाएंगे तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा एंड तक देखना वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे भी वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए मोटिवेशन जो है मिलता रहे और वीडियो को लाइक कर देना और तो चलते हम देखते हैं पहला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में क्या है कि हु इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट नर्स सबसे जो पहला नर्स है किसे कंसीडर किया जाता है कंसीडर का मतलब होता है किसे माना जाता है तो पहला ऑप्शन है फ्लोरेंस नाइट बी है फर्स्ट मदर सी है ड्योफेरिन डी है मदर टेरेसा तो फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा पहला होगा फ्लोरेंस नाइट जिनको पहला नर्स माना जा माना जाता है और देखो आ, मैं आपको एक बात बता दूं ठीक है आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए बहुत ही गोल्डन समझो आपके लिए मैं आज चीज़ बता रहा हूँ इस चीज़ कोई बताता नहीं है बस सबको किसी को क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो अभी तक सिलेक्ट का एग्ज़ाम दिया नहीं बट हाँ चीज़ें पढ़ा रहे हैं ठीक है ठीके? बस वो क्या बच्चे जो उनको बताते हैं करते हैं उसी के बेसिस पे पढ़ाते हैं लेकिन मैंने तो खुद एग्जाम दिया तो मैं आपको बता रहा हूँ ये समझो कि फोर्टी क्वेश्चन जो होता है आपका जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का होता है उसमें से लगभग पाँच से छः क्वेश्चन जो है वो आपके फ्लोरेंस नाइटेंगल के ऊपर ही आते हैं उनसे उन्हीं के इर्द गिर्द जो क्वेश्चन होंगे थोड़ा बहुत मोडिफाई के क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं तो जैसे इनका जन्म कब हुआ था इनका मतलब जो बर्थ प्लेस था क्या था कहाँ पर इन्होंने वर्क किया था और इन्हें क्या कहा जाता है लेडी इनका अनदर नेम क्या है तो बस सिर्फ क्वेश्चन इन्हीं से रहेंगे बस क्या होगा कि उनका जो फॉर्म होगा क्वेश्चन पूछने का मॉडिफाई होगा तो बस ए मान चलो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फ्लोरेंस नाइट एगल इनके बारे में आप इनकी जो है बायोग्राफी पूरा पढ़ लेना अच्छे से गूगल पर हर जगह मिल जाएगा आप थोड़ा अगर पी डी कहीं कुछ से मिला पढ़ लेना उसको ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आप यहाँ भी देखोगे कि यहीं से क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि फ्रोरेंस नाइट एगल वॉज बॉर्ड नॉन जो फंगल थी इनका जन्म जो है कब हुआ था तो पहला क्या है ऑप्शन ट्वेल्व मई एटीन ट्वेंटी बी है थर्टीन अगस्त नाइनटीन टेन सी है सेकेंड अक्टूबर एटीन सिक्सटी डी है ट्वेल्थ मई नाइनटीन टेन ठीक है तो इसका जो है सेकंड का सही ऑप्शन क्या होगा फर्स्ट होगा कि कब 12 मई 1820 1820 में इनका जो है जन्म हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगल का बहुत इंपॉर्टेंट है इसको मैं फिर से स्टार मार्क कर दे रहा हूँ आज के जो क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें से दो से तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके लिए आप श्योर हो और अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच इज़ द नेटिव कंट्री ऑफ़ फ्लोरेंस नाइटिंगल जो फ्लोरेंस नाइटिंगल का जो नेटिव कंट्री था क्या था तो ऑप्शन क्या क्या है लंडन अमेरिका इटली इंडिया तो जो नाइटिंगल का इनका नेटिव कंट्री था क्या था वो इटली था ठीक है तो इसका क्या सही ऑप्शन क्या होगा इटली जो है ए सही ऑप्शन होगा यहाँ पे नाइटिंगल ट्रेनिंग स्कूल एट सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन वाज इस्टेब्लिश इन जो नाइटेंगल ट्रेनिंग स्कूल था जो, जो कि इसका नाम था सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन वाज इसकी स्थापना कब हुई थी ईयर में हुई थी पहला ऑप्शन है एटीन हंड्रेड सिक्सटी बी है एटीन हंड्रेड सेवेंटी वन सी है नाइन्टीन हंड्रेड नाइनटीन डी है नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी सेवन तो फोर्थ का जो है सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट होगा एटीन हंड्रेड सिक्सटी में जो है वो इस मतलब हॉस्पिटल की जो है ट्रेनिंग स्कूल की जो स्थापना है स्टेब्लिश हुआ था अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है कि द बुक रिटर्न बाई फ्लोरेंस नाइट एंगल इज ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम्स में अभी तक 2022 थाउजेंड टू में जो है ये क्वेश्चन आए हुए हैं इन्हीं में से आए हैं और द नर्सिंग बुक वॉज रिटन बाई फ्लोरेंस नाइटेंगल इज मतलब कि फ्लोरेंस नाइटेंगल ने इनमें से कौन सी बुक को लिखा है तो पहला है नर्सिंग फाउंडेशन बी है इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सिंग एंड सी है नोट्स ऑफ नर्सिंग डी है नर्सिंग एट अ ग्लैंस तो फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन सही है फिफ्थ का यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही है नोट्स ऑफ नर्सिंग याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है इसको इस आज के लक्ष्य को आप लाइटली मत लेना इसको बहुत ध्यान से पढ़ना आज अब सिक्स क्वेश्चन देखते हैं सिक्स क्वेश्चन में बोला है कि द डेथ ऑफ फ्लोरेंस नाइटेंगल वॉज ऑन जो फ्लोरेंस नाइटेंगल था इनकी डेथ जो है कब हुई थी तो ऑप्शन क्या क्या है ट्वेल्व मई एटीन हंड्रेड ट्वेंटी थर्टीथ अगस्त एटीन हंड्रेड नाइन्टी थर्टीन अगस्त नाइनटीन हंड्रेड टेन फर्स्ट डिसम्बर नाइनटीन ट्वेंटी तो सिक्स का सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे सी होगा थर्टीन अगस्त नाइनटीन हंड्रेड टेन में जो है फ्लोरेंस नाइटेंगल की जो डेथ हुई थी ठीक है ये भी डेट इम्पॉर्टेंट है लेकिन आपको जो इनका मतलब बर्थ डेट है ठीक है इनका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको याद रखनी है उसको आपको नहीं बोलना है इस साथ साथ इसको तो आपको याद रखना ही रखना है द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट वाज पासड इन द ईयर ठीक है जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट है किस ईयर में जो है पास हुआ था ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है पूछा जा सकता है ये सब क्वेश्चन जो है देखो फ्रेंड्स ये सब आए हुए हैं आपके एग्जाम्स में ठीक है तो इसको बहुत ध्यान से देखना है और क्वेश्चन जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड का बहुत टफ नहीं आता है बस ऐसे ही जो क्वेश्चन होते हैं बस सेम आप आज के जो एक क्वेश्चन से मान चलो कि जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे कोई बाहर से कहीं कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं आएंगे तो एक कौन सी ईयर में जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट जो है पास हुआ था तो क्या होगा यहाँ पे नाइन नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी सेवन ठीक है उन्नीस सौ सैंतालीस में जो है वो जो ए, एक्ट था वो पास हुआ था ठीक है अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन में है कि द बी एस सी नर्सिंग प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर जो बी एस सी नर्सिंग का प्रोग्राम था इंडिया में कब जो है इसकी शुरुआत हुई थी तो ऑप्शंस क्या क्या हैं उन्नीस सौ छियालीस उन्नीस सौ अड़तालीस उन्नीस सौ तिरसठ उन्नीस सौ बहत्तर तो आठवें क्या हो गया आठवें का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा उन्नीस में जो है वो बी नर्सिंग प्रोग्राम इंडिया में स्टार्ट हुआ था अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विश वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक नर्सिंग प्रोग्राम ठीक है इनमें से मतलब कौन सा है जो बेसिक नर्सिंग प्रोग्राम है तो एम नर्सिंग पोस्ट बेसिक बी एस नर्सिंग बी एस नर्सिंग पी इन नर्सिंग तो नाइन्थ का क्या होगा नाइन्थ का यहाँ पे सी होगा क्या है बीएससी नर्सिंग जो होता है बेसिक नर्सिंग प्रोग्राम भी इसको बोलते हैं तो इसको आपको याद रखना कि इसका जो अनदर नाम है इस नाम से भी आपसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है एंड जो लास्ट अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन में क्या है कि गाइड टू वंस बिहेवियर इन डेली लाइफ इस कार्ड ठीक है uh, तो ऑप्शन क्या क्या है इथिक्स मॉरल एंड एटिक्ट और क्या है वैल्यूज़ तो टेंथ का क्या होगा टेंथ का पहला ऑप्शन चाहता है इथिक्स जो होगा ठीक है अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द तो फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इज जो मॉडर्न नर्सिंग है उसके फाउंडर कौन है पहला ऑप्शन क्या है हिपोक्रेट्स सेकेंड है फ्लोरेंस नाइटिंगल सी है जीमस मेस एंड फोर्थ है मैरी एंजेंस मैरी एग्नेस एंड सैनविली तो इसका सही ऑप्शन क्या है इसका सही ऑप्शन होगा फ्लोरेंस नाइटेंगल है जो फ्लोरेंस नाइटेंगल है इनको मॉडर्न नर्सिंग का जो है फाउंडर कहा जाता है तो ये चीज आप ध्यान रखना अब सेकंड है द अर्लीस्ट रोल ऑफ नर्सेज इन्वॉल्व जो सबसे पहले मतलब जो नर्सेज का रोल था वो क्या था तो केयरिंग फॉर सिक एट होम यूजिंग हर्बल रेमडीज टू रिलीव सिम्टम्स एंड थर्ड इज ए कैरिंग फॉर सिक इन हॉस्पिटल्स एंड फोर्थ इज एपर सुपरवाइजिंग नर्सिंग स्टूडेंट्स तो सेकंड में क्या होगा सेकंड के यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है सही होगा कि यूजिंग हर्बल रेमेडीज टू रिलीव जो है सिम्टम्स ठीक है अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है कि द रिलीजियस रूट ऑफ नर्सिंग इन कैनेडा कैन बी सीन इन द इन द डेवलपमेंट ठीक है तो क्या है द आई सी एन दी ओ सी एन द कोड ऑफ इथिक्स एंड फोर्थ है बी ई टी पी तो थर्ड का क्या होगा थर्ड का होगा यहाँ पे क्या कोड ऑफ इथिक्स अगले क्वेश्चन में क्या है कि मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर नर्सिंग एजुकेशन आर सेट बाई पहला ऑप्शन क्या है द नर्सिंग स्कूल सेकेंड है द प्रोविंशियल रेगुलेटर्स एंड एसोसिएशंस थर्ड है द कनेडियन नर्सेज एसोसिएशन फोर्थ है द दिन नर्सेज फेडरेशन तो so, फिफ्थ का क्या होगा फिफ्थ का सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है क्या होगा द प्रोविंशियल रेगुलेटर्स एंड एसोसिएशन तो फ्रेंड्स ये थे आज के आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं और भी मैं जो है आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है ठीक है तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो